टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों को पता है विंटर आ गया, तो विंटर में हमारे हेयर्स में भी, स्किन के साथ साथ हेयर में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं। स्पेशली डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है हमारे स्कैल्प पे। तो गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि हम ठंड में पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं और हमारा स्कैल्प थोड़ा ड्राई होने लगता है इसके कारण। और भी बहुत सारे वजह होते हैं हमारे स्कैल्प ड्राई होने का, डैंड्रफ आने का, केमिकल शैम्पू यूज़ करने से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस इसे कम करने के लिए मैं आपको आज एक पैक बोल सकते हो या फिर सीरम बोल सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी जिसके हेल्प से आपका स्कैल्प से डैंड्रफ कम होने में ये हेल्प करेगा। आपको एक से दो तीन यूज़ में आपको उसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो गाइस बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स है, इसके हेल्प से आपका डैंड्रफ बहुत कम हो जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको लेना है, आप इसे चाहो तो स्टोर कर कर सकते हो या फिर आप इसे हमेशा सोने के टाइम आप इसको अगर यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होगा और उसे हमेशा आप न्यू बना सकते हो। तो उसके लिए आपको ये करना है, आपको विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है। विटामिन ई कैप्सूल आपको एक से दो से तीन आपको इसमें लगेंगे। तो मैंने दो विटामिन ई कैप्सूल ले लिया है। आपको पिंक के हेल्प से इसे ऑयल को निकाल लेना, किसी भी बाउल में ले लीजिएगा या फिर किसी कंटेनर में भी आप ले सकते हो। ये सारा ऑयल इसमें निकाल लीजिए। दूसरा भी ले लेते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया। अब गाइस इसमें आपको ऐड करना है ग्लिसरीन। गाइस ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिट करते हैं। हमारे जितने भी स्कैल्प में ड्राई स्कैल्प हमारे होते हैं उसको ये रिकवर कर देगा, आपका स्किन हेयर की स्किन को स्मूथ करने में मदद करेगा, डैंड्रफ को रोकेगा आने में। तो आपको ग्लिसरीन ले लेना है और आपको ये करना है शैम्पू करने के एक दिन पहले ओवरनाइट आपको उसको रखना होगा अपने स्कैल्प पे और उसको छोड़ दीजिए कि सुबह उठ के आप उसे वॉश कर लेना अपने माइल्ड शैम्पू से, आपको यूज़ करना है। ठीक है गाइस, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपको बिल्कुल भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका फ़ायदा ही होगा आपको आपके स्कैल्प पे। तो गाइस हम विटामिन ई कैप्सूल ले लिया, ग्लिसरीन ले लिया एंड लास्ट हमारे इंग्रीडियंट्स होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ले लेना, 1 टीस्पून लेना है, अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से आपको लेना है। तो गाइस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कुछ इस तरह, हाथों के हेल्प से, स्पून के हेल्प से, किसी के भी हेल्प से आप पी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेना और अपने स्कैल्प पे मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, पूरे अपने फिंगर टिप्स को इस तरह करना है, पूरे अच्छे से हेयर पे लगा लेना, नीचे में भी लगा लेना अपने हेयर के। आपको पूरा ओवरनाइट इसे छोड़ना होगा, ठीक है, हेयर पे लगा के इसके ओवरनाइट छोड़ देना, अच्छे से पॉनी कर लेना, एकदम अच्छे से इसको लगा लेना अपने हेयर पे जिस तरह मैंने लगाया है। जो बच जाए उसे फेंकना मत, उसे फिर नेक्स्ट यूज़ के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हो। बस मुझे यही आपको बताना था, यही मेरा पैक है और सीरम भी है। तो गाइज अब मैं बताती हूँ चैनल प्रमोट का। तो चैनल आज मैं 3 कम्युनिटी टैब में डाल दूँगी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उन लोग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं इसे अलग अलग साइट में भी, जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है उसमें भी डाल दूँगी और भी बहुत जगह है वहाँ पर मैं आपको डाल दूँगी, आपको जितना भी हेल्प हो सकेगा मैं कर दूँगी। हाँ गाइस एक कमेंट आया था कि आप पहले अपने चैनल को प्रमोट कीजिए तब दूसरा करना। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे चैनल प्रमोट कर रही हूँ, ये आपका क्या जा रहा है इसमें? मुझे ये चैनल प्रमोट करना है उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे छोटे छोटे हैं, एक दूसरे को हम हेल्प कर रहे हैं। और जिसका चैनल नहीं है वो खुद आके ये सब कमेंट करने से क्या फ़ायदा है? आपका तो चैनल है नहीं, तो आप क्यों आके ये सब कमेंट करते हो? आकर इतना जलन किस बात का है आपको? आप लोगों को इतनी जलन क्यों है किसी से भी? अगर आपको ये सब कमेंट करने से क्या फ़ायदा मिलता है? कोई फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा बेइज्जत होके जाते हो हमारे कमेंट से और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो जिसका चैनल है मैं उसको बोल रही हूँ, जिसका चैनल नहीं है वो आके क्यों बकवास करके जाते हो ये सब कि अपना चैनल पहले प्रमोट कर लो? ये जिसने कहा है वो तो खुद सुन रहा होगा ये वीडियो को, तो आपको अकल हो तो आओ
नहीं है तो मत आया करो मेरे चैनल में प्लीज़। तो इस ये आपको के लिए नहीं था, मेरे जितने सब्सक्राइबर वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरा वीडियो को वॉच करते हैं, हमेशा मुझे साथ देते हैं। मैं उसके उसके लिए ये सब सब नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ जिसने मुझे कमेंट किया था नेगेटिव कमेंट। तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, कमेंट पर बिल्कुल भी आप लोग मत जाना, ठीक है। अगर मेरे से आपको मैं आपको मान लूँ 10 सब्सक्राइबर भी आपको दिला सकती हूँ तो इसमें क्या खराबी है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। तो आप लोग एक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो खुद खुद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंप्रेशन बढ़ेगा हमारा वीडियो का, तो खुद खुद आगे वो वीडियो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर अगर मैं आपके चैनल को प्रमोट कर रही हूँ तो ऐसा बात नहीं कि अगर मेरे चैनल में अगर 10 व्यूज़ आया तो आपके चैनल में 20 व्यूज़ नहीं आ सकता है, आ सकता है। अगर मेरा मेरे से ज़्यादा आपका अच्छा कंटेंट होगा तो आपके वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आएगा, आपके वीडियो में ज़्यादा सब्सक्राइब आएगा। बस इसका यही मोटिव होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास आपके वीडियो भेजूंगी, जिसको पसंद आएगा वो आपके कंटेंट वो जरूर आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो यही है सपोर्ट है ये, और क्या है ये। आप लोग जो ये सब कमेंट करते हो ये सब बेकार कमेंट है, ठीक है। पहले अपने लाइफ को देखो, और अगर कुछ आगे करना चाहते हो तो प्लीज़ किसी से जलना बंद करो। तो गाइस आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहना, और गाइस प्लीज़ आप लोग कोड भेजो, कोड से ही मैं आप लोग को सेलेक्ट कर पाऊँगी। 3 चैनल मुझे मतलब करना है अगर सेलेक्ट, तो कैसे करूँगी। कोड भेजो, कोड भेजना ज़रूरी है, कैसे मैं पता कर पाऊँगी कि आप लोग मेरा फुल वीडियो देख रहे हो। तो गाइस कोड भेजना ज़रूरी है, सिर्फ एक जन ने कोड भेजा है, तो और भी 2 जन हैं, जल्दी से भेजो कोड वीडियोस को देख के, देन मैं आपके कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी आपका चैनल, और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को प्लीज़। आप मेरा मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए, मैं आपको सपोर्ट दूंगी, एक दूसरे को साथ देकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस चलिए आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।